वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गुरुवार को लोकसभा में 2018 का बजट पेश किया। बजट में हर वर्ग के लोगों का ध्यान देते हुए शिक्षा, स्वच्छता और स्वास्थ्य पर सरकार ने विशेष ध्यान दिया है। स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि सरकार करीब 50 करोड़ लोगों के इलाज का खर्च उठाएगी। इसके मुताबिक देश के 40% लोगों को हेल्थ बीमा मिलेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि हर 3 लोकसभा क्षेत्र में एक मेडिकल कॉलेज और हर लोकसभा सीट पर अस्पताल होगा। इसके मुताबिक उत्तर प्रदेश के खाते में भी नए मेडिकल कॉलेज आएंगे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं। इसके मुताबिक लगभग 26 मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में हो जाएंगे। जानकारों के अनुसार अभी उत्तर प्रदेश में 13 सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं, जबकि 3 और कॉलेज निर्माणाधीन हैं। इसके मुताबिक अगर 10 मेडिकल कॉलेज और बनाए जाते हैं तो पूरे प्रदेश में 26 मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे। केंद्र सरकार ने किसानों को भी राहत दी है। किसानों को सभी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलेगा। समर्थन मूल्य को भी 1.5 गुना तक बढ़ाने की घोषणा की गई है। इसी प्रकार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे दौर में स्कूलों, अस्पतालों तक सड़कें पहुंचाने और खेती का बाजार मजबूत करने पर 2000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पीएम आवास योजना के तहत वर्ष 2022 तक हर गरीब को घर दिलाए जाएंगे। खेती के कर्ज के लिए 11 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे। देश में 2 करोड़ शौचालय और बनाए जाएंगे और 4 करोड़ गरीब घरों को बिजली के कनेक्शन दिए जाने हैं। 5 लाख नए स्वास्थ्य केंद्र बनाए जाएंगे। शिक्षा को लेकर सरकार बड़ा काम करेगी। बच्चों को स्कूल तक पहुंचाना बड़ा लक्ष्य होगा। प्री नर्सरी से 12वीं तक की पढ़ाई के लिए एक नीति होगी। आदिवासियों के लिए एकलव्य आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे। 1200 करोड़ की लागत से बनाए जाएंगे हेल्थ वेलनेस सेंटर। 6 करोड़ महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन दिए जाएंगे। प्रत्येक 5 संसदीय क्षेत्र पर खोला जाएगा एक मेडिकल कॉलेज। किसानों को सिंचाई के लिए 2600 करोड़ रुपए देगी सरकार। पब्लिक टीवी ने जब जनता से बात की तो उन्होंने सरकार के इस बजट को नकार दिया। व्यापारियों की बात करें तो उनका कहना है कि इनकम टैक्स में कोई भी राहत नहीं दी गई है, बल्कि सरकार से आशा थी कि इस बार भी इनकम टैक्स में छूट दी जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो वहीं कुछ लोगों ने मोदी सरकार के बजट की सराहना की है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने इस बजट में सभी का ध्यान रखा है और सभी के बारे में सोचते हुए ये बजट लागू हुआ है।